हे गाइस, वेलकम टू द ट्रैवलोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अजीम और आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। सो दिस न्यू वीडियो इज़ अबाउट महाबलेश्वर विच इज़ 263 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 hours टू रीच एंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड टेक्स ऑलमोस्ट 3 hours टू रीच बाई कार एंड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज सातारा। सो इट्स टेक लाइक 2 hours to reach and the distance is 68 kilometers. As you know that Mahabaleshwar is famous for its natural beauty, hills and strawberries of course, but also for Panchganga river which flows in Mahabaleshwar. The best season here to visit is rainy and winter. The winter is here, so let's go and check out Mahabaleshwar. अभी हम वाई में हैं, यहाँ से महाबलेश्वर 32 किलोमीटर दूर है। वाई में हम मिसल पाव खाने रुके हैं, यहाँ पर बेस्ट मिसल पाव मिलता है एंड वी रिकमेंड जॉली मिसल जिनका सबसे अच्छा टेस्ट है मिसल पाव में। अभी हम अपने होटल में हैं जिसका नाम है किंग्स गार्डन, तो मैं आपको होटल दिखा देता हूँ ऊपर से। ये है वेना लेक बैक वाटर्स। हम वेना लेक गए थे बट क्राउड बहुत ज़्यादा था एंड पार्किंग भी नहीं मिला, तो यहाँ आ गए हम। अब हम जा रहे हैं यहाँ के मेन मार्केट में। ये है यहाँ का मेन मार्केट, यहाँ पे बहुत वैरायटी है शॉपिंग करने, कपड़े से लेकर सोविनियर तक सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड खाने के लिए यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ मास्क पहनना कंपलसरी है, नहीं तो 500 rupees का फाइन है, इसलिए मैंने भी पूरी वीडियो में मास्क पहने रखा है। कैश का थोड़ा प्रॉब्लम है एंड इंटरनेट भी नहीं चलता, तो इट्स बेटर टू कैरी हार्ड कैश। और जो भी पॉइंट्स पे विजिट करना है वो पहले से ही ऑफलाइन सेव कर लो गूगल मैप में, वो बेटर रहेगा। अभी हम वेना लेक पे आए हैं बोटिंग करने और बहुत ही मस्त वेदर है, ठंडी हवा चल रही है, अभी टेम्परेचर कुछ 16 डिग्री हो रहा है एंड सबसे बेस्ट यहाँ बोटिंग पे आना है तो मॉर्निंग में आए। बोट का कॉस्ट है 300 rupees जो हाफ एन आवर के लिए और 600 rupees 1 hour के लिए है। और अच्छा होगा कि आप बोट ड्राइवर ले लो, इससे दो बेनिफिट्स है, एक तो यहाँ हवा इतनी होती है कि आप खुद से चला नहीं पाएंगे और दूसरा ड्राइवर के बिना 1000 rupees का आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। इट्स बेटर ड्राइवर ले ले, 200 rupees होते हैं उनका चार्ज, लेकिन आप 500 rupees में हाफ एन आवर बोटिंग कर सकते हो एंड विद ड्राइवर एंड विद ज़ीरो डिपॉजिट। पंचगंगा मंदिर, आर्थर सीट पॉइंट, मेलकम पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग, कैसल रॉक पॉइंट, स्ट्रॉबेरी गार्डन, केट्स पॉइंट, इको पॉइंट, मिनिस चिक्की। ये जो मंदिर है 4500 साल पुराना मंदिर है। 6 जनवरी 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता जिजाई की सुवर्ण तुला मंदिर में किए। सामने है पंचगंगा टेम्पल, 5 नदियों कृष्णा कोयना वेन्ना सावित्री गायत्री, ये 5 नदी का मिल के पानी गाय मुख से बड़ा कुंडे वहाँ से गिरते। ये जो पानी 12 महीना 24 घंटा चलता है, पीने के लिए मीठा ही, फ्रिज जैसा ठंडा है। ये जो जंगल दिख रहा है, जंगल से जड़ी बूटी से पेट्रोल के पानी नीचे आता है। पहले जानवर इधर पानी पीते थे, रोड से ऊपर जाते थे, तभी ब्रिटिश लोग वहाँ पे बैठ के शिकार करते थे। मुंबई के सेकंड ब्रिटिश गवर्नर थे, राइटर थे, लेखक थे, उसके बैठने की ओरिजिनल आगे 50 से 60 फीट की सीट थी। 1967 में कोयने का भूकंप आई थी जो सीट नीचे गई। इतना भीड़ है कहाँ से देखने मिलेगा अपन। बंदरिया के बहुत शान है यार,
लाइक तुम लोग कुछ खाओगे दुकान पे खड़े रहोगे तो कुछ नहीं करेंगे, बट तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े रहोगे खाओगे ना तो उठा के भाग जाएंगे। मतलब क्या है, उनको पता है कि कौन यहाँ का है कौन कहाँ का है, समझ रहे हो। गर्द जैसा पत्थर है, इसके ऊपर खड़े रहेंगे ना तो अपना ये रायगढ़ का परिसर अच्छा दिखता है भी। स्ट्रॉबेरी गार्डन इसका हाइट इतना रहता है, इसमें 7 वैरायटी स्वीट चार्ली कामरोजा इंटर डाउन फेस्टिवल नाबिया चंद्रन सीज कैप। इसमें से स्वीट चार्ली खाने के लिए मीठा रहता है, जो खट्टा रहता है उसका जाम जेली क्रश सिरप चॉकलेट मैप्रो मनामा मालाद मधुसागर में बनता है। बहुत ही अच्छा है ये, स्ट्रॉबेरी विद क्रीम बोलते हैं इसको, और ये बहुत ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी से बना है जो यहीं पर देखो उग रही है। और ये लोकेशन का नाम है स्ट्रॉबेरी गार्डन। अंजी शुगर पे आएगा खजूरी खजूर शुगर, टेस्ट वगैरह करके देखिए। आप जब भी महाबलेश्वर आओगे ना तो आपको ये सारे एंट्री पास वगैरह लेने पड़ेंगे, तो ये लोकेशन वाइज में भी अलग है। हम 3 अलग अलग लोकेशन पे गए थे तो सबके टाइम पे अलग अलग हमें पास लेना पड़ा था, लाइक 20-30 रुपीस तक आता है और पर पर्सन के हिसाब से भी होता है कुछ। तो गाइज हमारी ट्रिप फाइनली ख़त्म होती है यहाँ पर, और हमारा जो महाबलेश्वर का पर पर्सन कॉस्ट था लाइक 2 डे 1 नाइट के लिए, हमारा ओवरऑल बजट गया 5000 का। और हमको ये अच्छा लगा कि पोस्ट कोविड के बाद आना डोमेस्टिक टूर बहुत बढ़ रहा है, महाबलेश्वर में बहुत भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है, और हम लोगों को सोचा नहीं था इतनी भीड़ हम लोगों को मिली थी, और बहुत फैमिलीज और कपल्स भी बहुत आए हैं। लाइक हम लोग लिटरली 9 आवर्स डिले थे, बहुत डिले, बहुत लेट हो चुके थे। कल ज्यादा हम लोग कुछ शूट भी नहीं कर पाए यहाँ पर, इतनी सारी भीड़ थी बहुत भीड़ थी। ठीक है, अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा आज हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, और गाइड हायर करें वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो कम टाइम पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो गाइज अगर आपको होटल बुकिंग करनी है या कार बुक करनी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारा कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है तो बाय। बट जाते जाते लास्ट का व्यू देखते जाए प्लीज।